और गाजियाबाद से सफ़ेद दिल्ली क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना मरीज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग से हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, जिसको लेकर के अगर हम बात करें जो NCR का जो क्षेत्र है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, यहाँ भी लगातार जो अब कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कह सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार और कितने तैयार हम, इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी से कि किस तरह की जो तैयारी। सर, लगातार अब कोरोना की बात करें तो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक्टिव मरीज हैं इस समय जो 20-25 हज़ार के बीच में है, और दिल्ली के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो 7-8 हज़ार मरीज़ रोज़ आ रहे हैं। तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो तैयारियां हैं, ना तो यहाँ बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है। एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं मिल सकता कि जिसे सरकारी सहायता ना मिल रही हो। सर, क्या कारण हो सकता है कि जिस तरह एक बार कोरोना पर नियंत्रण पाया गया था देश में और दोबारा से जो जिस तेज़ी से बढ़ा है, क्या कहेंगे इस बढ़ते हुए कारणों को लेकर? अब कारण का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है कि अचानक दिल्ली में ये लहर आई है, बाकी कहीं नहीं आई, और इस लहर का जो परिणाम है वो आसपास के क्षेत्रों में भी फैला है। उसके लिए गाजियाबाद के अंदर जहाँ 50-60 मरीज रोज़ मिल रहे थे, वहाँ पर अब 180 के करीब या 175 मरीज रोज मिल रहे हैं। सर, जिस तरह से अचानक बढ़ोतरी हुई है कोरोना मरीजों को लेकर के, इस पर नियंत्रण पाने के क्या तरीके, किस तरीके से आपको जो क्या कानून ऐसे लाए जाएंगे, या अगर बात करते हैं लॉकडाउन की या बाजार बंदी की, तो इस तरीके की क्या योजनाएं हैं? देखिए, सबको पता है कि इसके अंदर कोई कानून से तो कुछ नहीं हो सकता, जनता को अपने आप ही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो एक अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में ना जाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करें एक दूसरे के साथ में। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अतुल गर्ग, जिन्होंने कहा है कि जो साधन है उनको अपनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, यदि आवश्यकता होगी तो सरकार और सख्त नियम भी उत्तर प्रदेश में लागू कर सकती है। के न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से जयवीर मावी।